हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में किसी भी पिक्चर को क्रॉप कैसे करते हैं या एडिट कैसे करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे इसके आइकन पे या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन या फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद अपने कंप्यूटर में जिस भी पिक्चर को आपको क्रॉप करना है उसको सेलेक्ट करिए। तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई है जिसको हमें क्रॉप करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब क्रॉप करने के दो तीन तरीके हैं। पहला, आपके पास ये रेक्टेंगल मार्की टूल अवेलेबल है, आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको कट कर सकते हैं। एडिट में जाके आप इसे कट करके न्यू फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कर लिया कट, फिर फाइल में गए, न्यू करा, यहाँ पे करना है ओके, और यहाँ पे आके एडिट में गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से भी आप एक नई फाइल में क्रॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी फाइल में ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना तो उसके लिए फिर से आएंगे यहाँ पे टूल बॉक्स में, क्रॉप टूल हमारे पास अवेलेबल है। क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं, क्रॉप टूल एक्टिवेट हो गया है, इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। जितना पोर्शन आपको कट करना है उस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये यहाँ पे आपने क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी है, सिलेक्शन कर लिया है। अब इसको सिलेक्शन को सेव करने के लिए आप फिर से रेक्टेंगल मार्क्यू पे क्लिक कर सकते हैं। वो पूछ रहा है आप क्रॉप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप क्रॉप पे क्लिक करिए और ये आपकी इसी फाइल में क्रॉपिंग हो गई है और आपकी पिक्चर में जो डिज़ायर्ड सेक्शन आपको देखना था वो यहाँ पर विजिबल है। फाइल को सेव करने के लिए सिंपल स्टेप है, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव एज या फिर सेव, पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव को क्लिक कर सकते हैं या फिर सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आप नेम इस फाइल का दे सकते हैं, जो भी आपको नया नाम देना है तो वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सटेंशन चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, इनमें से जो भी एक्सटेंशन आपको रिक्वायर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप JPEG या JPG फॉर्मेट को ही यूज़ करते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और फॉर्मेट चाहिए तो ये सारे अवेलेबल यहाँ पे हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो हम JPG रहने देते हैं, इसे सेव पे क्लिक करते हैं और ये पूछ रहा है कि आप किस तरीके की क्वालिटी चाहते हैं अपनी इमेज की। तो मीडियम पर रखना है तो रहने दें, वरना हाई पे भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा फाइल का साइज़ भी बढ़ जाएगा। अब हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और ये हमारी फाइल सेव भी हो गई। तो कुछ इस तरीके से आप फोटोशॉप में पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।